मंडलायुक्त और कोविड 19 के नोडल अधिकारी जयंत नार्लिकर के निर्देश पर अति कुपोषित बच्चों के माता पिता को कोरोना का टीकाकरण कराया जाएगा, जिसको लेकर बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा अति कुपोषित बच्चों के माता पिता की सूची तैयार कर ली गई है, जिसमें जनपद में अति कुपोषित बच्चों की कुल संख्या 6087 है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1213 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4874 कुपोषित बच्चे हैं। टीकाकरण के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि अति कुपोषित बच्चों को संक्रमण की संभावना ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर रहेगी उनका टीकाकरण कराया जाएगा। इसके संबंध में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि मुसहर, वनटांगिया सहित कुपोषित बच्चों के अभिभावकों का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे और मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, सर जो कुपोषण बच्चे हैं वो मंत्री जी का टीका लगाने के परिजनों के कब लगेगा? वैसा देखा गया है कि कोरोना जो है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको संक्रमित करने के चांसेस, उनमें संक्रमित करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी और उन्होंने ये कहा है कि जो भी कुपोषित बच्चे हैं उनके परिजनों को टीकाकरण कराया जाए। तो हमारी आशा एनम इसको आइडेंटिफाई कर रही हैं कि कहाँ कुपोषित बच्चे कौन से हैं और उनके पेरेंट्स 45 साल के ऊपर हैं तो उनका वैक्सीनेशन हम प्रायोरिटी बेसिस पर कराएंगे। करंट दो वर्ग में हो रहा है, एक 18 से 44 में हो रहा है और एक 45 से ऊपर में हो रहा है। हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि दोनों वर्ग में एक तो सभी का टीकाकरण हो और लोग जिनका जब नंबर है वो वहाँ पर जाएं। एक अंतर यह है कि 18 से 44 वर्ग वाले जो लोग हैं उनको मोबाइल में या जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके अनुसार जाना है। जब 45 साल और उसके ऊपर वाले वहाँ जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, वहाँ जाके भी कर सकते हैं। इसलिए जो 18 से 44 साल के लोगों के बीच में जो वो तबका है जो AES JES गाँव का है, जहाँ पर कुपोषित परिवार रहे हैं, मुसहर वनटांगिया गांव है, हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और ICDS और पंचायत और रूरल डेवलपमेंट, इन चार विभागों को साथ लाके ये करने का प्रयास किया कि उन परिवारों का पहले टीकाकरण प्राथमिकता पर हो और उसके लिए यदि CSC से रजिस्ट्रेशन 18 से 44 का कराना हो वो भी कराया जाए, जिससे कि कल को यदि गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ होता है तो उनके परिवार के लोग में वैक्सीनेटेड रहेंगे, उनमें वो एक इम्यूनिटी रहेगी, तो उनके बच्चों को गॉड फॉरबिड यदि कुछ होता है तो हम ज़्यादा अच्छे से संभाल सकते हैं।